मौसम इश्क की चादर। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में भी मेडिकल की न्यू फैसिलिटीज मौजूद है, तो फिर इतना खर्चा करने का फायदा, ट्रीटमेंट तो यहाँ पे भी हो सकता है। बस दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए हो गया। As you wish. ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम्हारे अंदर का खौफ। हमारा मेडिसिन की दुनिया में बहुत इनकलाब आ चुका है। इनकलाब सिर्फ जंगली आलात बनाने में आया, जिसे इंसान इंसान को मार सकता है। ताल्लुक है माँ, उसकी बहन है, जाहिर सी बात है उनके घर में टेंशन है और इन हालात में शादी मुश्किल हो जाता है। अहमद, तुम्हारा अम्मारा से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? तुम्हें यास्मीन आंटी और अहमद को ये बात बताने की क्या जरूरत थी? जब मैंने उन्हें कह दिया था कि डैड बिजनेस टूर पे गए और साथ मम्मी और हमारा को भी ले गए। सॉरी, आपने झूठ बोला है, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकती। फरजीन, कभी कभी घर और घर वालों के मसाइल को हल करने के लिए झूठ बोलना पड़ जाता है। झूठ झूठ होता है, उसे भलाई कहां से आ गई? और वैसे भी झूठ बोलने की बड़ी से बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, जो कि आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एहसास नहीं है आप लोगों को। एहसास है, मगर इन मसाइल का और कोई सलूशन नहीं है। आर यू सेइंग कि झूठ इन मसलों का सलूशन है? प्लीज अरसलान, आप क्यों उन बिचारों को डाक में रखे हुए, क्यों धोखा दे रहे हैं उन लोगों को? कौन सा धोखा? हमारा ठीक हो जाएगी, हम क्यों टाइम से पहले ऐसी बात कर दें जो आई थिंक होगी भी नहीं? और अगर हो गई तो हम बता देंगे। देखो, तुम मानो या ना मानो, तुमने गलत बात की है। वो लोग न जाने क्या क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या क्या अंदाजे लगाएंगे हमारे और हमारा के बारे में। मैंने कहा था ना, बड़े लोग अंदर से बड़े ना भी हों, समझदार जरूर होते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो किसी बहाने की आड़ लेकर ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। नहीं मोहन, ऐसी बात नहीं है। हमारा के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब ये कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं मॉम, कुछ नहीं छुपा रहा हूं। उसने भी मुझे एक दो दिन पहले मेंशन किया था कि किसी खास मजबूरी की वजह से अभी वो लोग फौरन शादी नहीं कर सकते। मजबूरी तुम्हारी माजूर माँ है अहमद। जो लोग अपनी बेटी के मामूली से चेकअप के लिए अमेरिका लेके जा सकते हैं, वो हमारे साथ रिश्ता क्यों करें? रिश्ता तो ऑलरेडी तय है मॉम। वो उनका वक्ती फैसला होगा। कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं कि वो अपने गलत डिसीजंस पर डटे नहीं रहते, टाइम और सिचुएशन को देखकर फैसला चेंज कर लेते हैं। गलत डिसीजन पर? हाँ, तुम उनका गलत डिसीजन। अम्मारा की वक्ती मोहब्बत के सामने वो लोग झुक गए, मगर अब जब उनके इल्म में ये बात आ चुकी है कि मैं हमेशा के लिए माजूर हो चुकी हूँ, ना अम्मारा एक माजूर औरत का बोझ उठाना चाहती है और ना ही उसके घर वालों को पसंद होगा कि अकमल फिरदौस की बेटी उम्र भर मेरी नर्स बन के रहे। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा के साथ जरूर कोई और प्रॉब्लम है। मैं पता करूंगा, वो आई फाइंड इट आउट।
आइए आइए आइए। वाय हमारे घर में के बाहर है। तशरीफ रखिए। जो कुछ कहना है जल्दी से कहो। देखो शाला, बात तो टेलीफोन के जरिए भी हो सकती थी, मैंने तो अपनी आंखों की प्यास बुझानी थी। जिनकी आंखों में सिर्फ हवस और भूख हो उनकी आंखें हमेशा प्यासी रहती। मतलब की बात करो। नहीं सुधा, ऐसी बात नहीं है, ये हम आपकी आंखें हैं, किसी सरकारी ओहदेदार की नहीं। एनीवे, गुस्सा छोड़ो और बैठो। देखो, इंसान के दरमियान अगर कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपस की मोहब्बत खत्म हो जाए। मोहब्बत तो रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत को बदनाम मत करो। तुम्हें जिस चीज से मोहब्बत है वो तो तुम्हें हर महीने मिल रही है ना, फिर और क्या चाहिए तुम्हें? तुम अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। तुम्हारा बदल एक कागज का टुकड़ा नहीं हो सकता। मैंने जिस चीज की लालच में तुम्हें ठुकराया था, अब तुम्हारी खातिर उसी चीज को ठुकराना चाहता हूं मैं। हम आज क्यों तुम मेरा घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो? इसलिए कि मेरा घर आबाद हो सके। मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूं। जो दुख और तकलीफ मैंने तुम्हें पहुंचाई है उसे खुशी और आराम में बदलना चाहता हूं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सलाहियत तुम में है ही नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैकमेलर हो बस। जज्बाती मत हो जाया करो शाला। यहां कौन ब्लैकमेलर नहीं है? क्या तुम्हारी भाभी फरजीन वो ब्लैकमेलर नहीं है? उसका पाप उससे बड़ा ब्लैकमेलर। यहां सब के सब ब्लैकमेलर, जिसे जहां मौका मिलता है वो यही काम कर रहा है। प्लीज शाला, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। एसपी साहब से डिवोर्स ले लो बस। पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पागल हो गया हूं मैं और दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम्हें सिर्फ 15 दिन दे रहा हूं, जस्ट 2 वीक्स। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो ये नेक काम मैं खुद करूंगा। और तुम जानती हो कि मुझे ठुकराई हुई चीजें पसंद नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं कि तुम खुद एसपी साहब को ठुकरा कर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास वापस लौट आए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। क्या होगा? मेरा तो सिर्फ चेक बंद होगा और तुम्हारा, तुम्हारा घर टूट जाएगा स्वीटहार्ट। लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। देखो प्लीज, जिद मत करो। जिद से सिर्फ नुकसान होता है, सिर्फ नुकसान। पैसे का नुकसान फिर भी पूरा हो जाता है, लेकिन टूटा हुआ घर कभी नहीं छोड़ता। कहीं ऐसा ना हो डार्लिंग कि तुम अपने आप को उस मुकाम पे ले आओ कि चाहने के बावजूद भी मैं तुम्हें अपना ना सकूं। आई लव यू, आई रियली लव यू। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। प्लीज मेरी जिंदगी में लौट आओ। आई नीड यू, वापस आ जा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। ये शर्माने वाली नहीं परेशान कर देने वाली बात है। सॉरी टू से, अब तुम्हारी एज लापरवाही करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देती। अब मारा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है वो। इश्क की चादर।
I wish she'll die. हमारा ये ऑपरेशन करवा ही ना पाए. अगर वो मां बनने के काबिल ना रही तो कौन करेगा उससे शादी? अगर अहमद ने शादी कर भी ली तो कब तक बर्दाश्त करेगा उसे? साल दो साल के बाद वो फिर यहीं आ जाएगी मेरे लिए अजाब बनकर. प्लीज मेरी बात मान लो, एसपी साहब से डिवोर्स ले लो, बस वापस आ जाओ. मुझे सिर्फ तुम चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या बात है, मूड ऑफ है? जी वो मम्मी का फोन आया था, बता रही थी कि कल हमारा का ऑपरेशन है. मुझे ये सोचकर टेंशन हो रही है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो. ऐसे नहीं सोचते. देखो ये किस्मत के फैसले हैं और किस्मत के फैसलों में इंसान बिल्कुल रद्द बदल नहीं कर सकता. तब ठीक हो जाएगा. पर जब ख्वाब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है. क्यों ऐसा सोचती हो? और वैसे भी वक्त के फैसलों के बारे में अंदाजे लगाकर परेशान होने को बेवकूफी और हिमाकत कहते हैं. अब अपना मूड ठीक करो और मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, प्लीज खाना खिला दो. अभी खाना लगाते. और हाँ, ये बात बात पे परेशान होना छोड़ दो, अल्लाह सब ठीक करते. जी. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप लोग? क्या हमारा का ऑपरेशन हो गया? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई ना? ओ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, थैंक्स गॉड. मैं अभी फरजीन और शैला को बता देता हूँ. अच्छा, आपने शैला को बता दिया है, ठीक है मैं फरजीन को बता देता हूँ. ओके डैड ठीक है, बाय. अब मारा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है वो. डैड ने कहा फरजीन को भी बता देना. अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज. यू नो व्हाट, वी शुड सेलिब्रेट. आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल, जो तुम चाहोगी वैसा होगा और जो कहोगी वो मिलेगा. मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपकी कंपनी चाहिए. अच्छा ये बताओ कहाँ जाना पसंद करोगे? Let's go somewhere nice. Let's have dinner outside. Okay, done. तुम change करो फिर चलते. Okay. ये तो वाकई खुशी की बात है. तुम्हारे लिए तो है, साथ साथ हमारे लिए भी है. मगर मेरे कान एक खास खुशखबरी सुनने के मुंतजर है. क्या मतलब आपकी? मैं आपकी बात समझ नहीं पाई. अरे भाई, तुम्हारी शादी को 6 माह गुजर चुके हैं और मुझसे पूछ रही हो कि कौन सी खुशखबरी? एक भाई की शादी के बाद बहन के लिए कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकती है? नहीं आपी, ऐसी तो अभी कोई बात नहीं. ये शर्माने वाली नहीं, परेशान कर देने वाली बात है. सॉरी टू से, अब तुम्हारी एज लापरवाही करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देती. कहीं चेकअप करवाया आपने? नहीं, ऐसा तो अभी हमने सोचा ही नहीं. तो कब सोचोगी? उठो तैयार हो, मैं आज ही किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से तुम्हारा चेकअप करवाती हूँ. तुम इस कदर घबरा क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकती हो. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर मैं कलीम से पूछ लेती तो. मेरे साथ जाने के लिए तुम्हें कलीम से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं. तैयार हो? खैर अभी आप चाय पीजिए.
वहीं कहीं सेटल हो जाने की कोशिश कर रही है शायद। आप सो गए क्या? नहीं तो आज मैं दीदी डॉक्टर के पास गई थी। तेरे डॉक्टर के पास? खैरियत? जी हाँ, वो अरुबा भी लेकर गई थी। अरुबा भी ले गई थी? मैं सब जानी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बस अरुबा भी कह रही थी कि 6 माह हो गए हमारी शादी को और अभी तक। फिर क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर कह रही थी कि एवरीथिंग इज ओके, बट फिर भी पता नहीं क्यों कली अभी तक उम्मीद से दामन खाली है मेरा, पता नहीं क्यों। परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक है। इश्क की चादर अगर हम मान ये सब कुछ शैला के बिहाफ पे कर रहा है तो चाहे तुम्हारा बाप मुझे शहर बदर कर दे या इनकाउंटर में मरवा दे, नो प्रॉब्लम। का मौसम इश्क की चादर।